हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी इस तरह की बच्चों की छोटी सी कैप जिस पे बीड्स लगे हुए होते हैं, तो देखने में काफ़ी वो सुंदर और अट्रैक्टिव लगती है। आप अलग अलग कलर में बना सकते हो अपने बच्चों के लिए। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक सैम्पल बनाकर दिखाया है, इस तरह से इसकी कुछ लुक आ रही है। तो ये 10 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं कैप बनाना। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, चार फंदे और सीधे और उल्टे हैं, चार चार फंदे। तो हमने क्या करना है, ये वाला जो फंदा है सीधा बुनेंगे चार, बुनने के बाद उल्टे चार फंदे पे हम उल्टा बुनेंगे और अभी हमने क्या करना है, चार फंदे जो है निकालने हैं। ये डिज़ाइन जो है मैंने अपनी चैनल पे पहले भी एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, तो वो थोड़ी एडल्ट की वीडियो सॉरी एडल्ट की या फिर टीनेजर की वीडियो कैप थी। तो ये जो कैप है ये छोटे बच्चों के लिए है और ये थोड़ा सा मैं इसमें डिज़ाइन चेंज करके लाई हूँ और थोड़ा सा इसको मैं बीड्स के साथ मैंने इसको सजाया है। तो चलिए, ये हमने उल्टे चार फंदे डालने हैं। इसके बाद यहाँ पर फिर से हमने चार फंदे सीधे डालने हैं, इस पर हमने कोई भी डिज़ाइन जो है नहीं डालना, और फिर से चार फंदे उल्टे। और यहाँ पर हमने जो है अपना डिज़ाइन बनाना है, दो फंदे हम पीछे कर लेंगे और ये जो दो फंदे हैं इनको हम घुमाकर आगे ले आएंगे और इनको हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ पर सीधा बुनते हुए हमने आगे हम उल्टा बुनेंगे चार फंदों को, उसके बाद फिर से सीधा फंदा, चार फंदे सीधे, तीन चार और चार फंदे उल्टे। और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन आएगा और ये दो फंदे हम पीछे ले जाएंगे और इनको आगे लाकर बुन लेंगे। इसी के साथ हमारी पहली सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं की बनाया, यहाँ पर बनाया है ऐसे ऐसे हमने करके। जब ये टोपी को हम बंद करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली ये एक पर डिज़ाइन और एक प्लेन आ जाएगी। तो अभी मैं उल्टी सिलाई पर हमने कुछ डिज़ाइन नहीं डालना है, उल्टे पर उल्टे फंदे डालेंगे और सीधे पर सीधे। तो मैं ये सिलाई जो है कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए, ये एक बो टाइप का डिज़ाइन जो है बन गया है। इस डिज़ाइन के बाद मैंने चार सिलाइयाँ जो है डाली हैं, ये देखिए 1 2 3 और ये फोर्थ वन है। और अभी जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे जिस तरह से ये यहाँ पर प्लेन है और ये बो है, तो अभी हम बो को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे और ये प्लेन को यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट के चार फंदे हैं इनको हम निकाल लेंगे और इस तरह से दूसरी सिलाई से इनको पीछे ले जाएंगे। इससे क्या है, एक डिफरेंट तैयार हो जाएगा डिज़ाइन। तो यहाँ पर फिर से इनको सीधा बुनना है और ये वाले फंदे उल्टे हैं तो उल्टे को उल्टा ही बनना है, इस पर कोई भी जो पैटर्न है या डिज़ाइन है नहीं आएगा। और जैसे यहाँ पर ये डिज़ाइन है तो इनको हमने सीधा बुनना है, प्लेन रखना है, क्योंकि हमने इस पर कोई भी डिज़ाइन जो है नहीं डालना, इनको प्लेन रखना है। तो आगे हम उल्टे चार फंदे डाल लेंगे और यही डिज़ाइन जो है आगे सीधे फंदों पर फिर से हम रिपीट करेंगे। एक बार देखिए, फिर से चार फंदे निकाल लेंगे, ये प्लेन वाला है, अभी हम प्लेन वाले पे डिज़ाइन जो है बना रहे हैं और इनको निकाल कर आगे ले आएंगे और सीधा फंदा करते हुए इसको बुन लेंगे। देखिए सीधा और ये सीधा। तो इस तरह से हमने ये सारी जो अपनी लाइन है कंप्लीट कर लेनी है। मैं फिर से चौथी सिलाई पर आ गई हूँ, यहाँ पर हमने जो है डिज़ाइन डाला था, अभी यहाँ पर हम फिर से प्लेन बुनेंगे और यहाँ पर डिज़ाइन डालेंगे। इस तरह से हमने इसी को रिपीट करते हुए जाना है, जो हमने यहाँ पर चौथी सिलाई डाली थी वो अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे। पर मैंने अपनी जो टोपी का साइज़ मुझे चाहिए वो मैंने लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है, अभी यहाँ पर मैं इसको घटा दूँगी। जैसे
दो फंदे हैं तो दो फंदे का हमने एक एक फंदा करते जाना है। जिस तरह से सीधा फंदा आ रहा है तो सीधा बुनना है, उल्टा है तो फिर उल्टा उसको घटाते जाना है। तो इस तरह से हमने पूरी सिलाई में ये सारा कंप्लीट कर लेना है। उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए हमने सारे फंदे जो हैं एक एक करके घटाते जाने हैं, दो का एक करते जाना है। तो इस तरह से मैं ये सारे फंदे घटा दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये फंदे घटा दिए हैं। अभी उल्टी सिलाई से हमने इनको बुन लेना है, अभी हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। तो इसको जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने इसको आगे इसकी लेंथ जो है बढ़ा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी और इसको स्टिच कर दूंगी। उसके बाद मैं आपको जो है बीड्स लगा के दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर ये छोटी सी कैप जो है बनकर तैयार हो गई है। ऊपर मैंने पॉम पम भी लगा दिया है। अभी यहाँ पर मैं इसके बीड्स लगाऊंगी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इस टाइप के मेरे पास ये मोती हैं, तो मैं इनको लगाऊंगी जैसे ये नज़र आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा बस हाईलाइट करूँगी, आप चाहो तो और जगह पर भी लगा सकते हो। तो थ्रेड मैंने डबल लिया है, ये डबल से थोड़ी जो है मजबूती बन जाती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से हमने सारी जगह पर बीट्स लगा देने हैं। आप इस तरह के तो इस तरह से मेरी ये कैप बनकर तैयार हो गई है। आप बीट्स चाहो तो मैचिंग भी लगा सकते हो। मार्केट में आजकल बहुत सारी ऑप्शंस आ रखी हैं। तो मैंने ये जो है जस्ट आपको सैंपल बनाकर दिखाया है। तो आप जिसके साइज़ की भी बनाना चाहते हो उस साइज़ की बना सकते हो। तो मैं आपको इस पर जो है ये बेबी जो एक टॉय है उसका जो सर है उतरा हुआ है, एक तरह से ये डमी बन गई है। तो मैं इस पर पहनकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये टोपी मैंने पहना दी है, तो थोड़ी सी छोटी बनी है क्योंकि मैंने साइज़ नहीं लिया था, मुझे बाद में ये ख्याल आया। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की या फिर किसी और के बच्चे को गिफ्ट करने के लिए इस तरह की जो आर्टिकल है बनाकर गिफ्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।